हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सीईटी कोर्ट केस की हियरिंग के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता था कि 1 सितंबर को इसकी हियरिंग थी, लेकिन उन्होंने प्रोसेस फीस सबमिट नहीं करवाई, जिसकी वजह से उन्होंने 1 महीने का टाइम मांगा था। तो कल भी मैंने वीडियो बनाई थी कि 1 महीने के बाद आपकी सुनवाई होगी और बाकी आपके सीईटी के एग्ज़ाम इस पर ही डिपेंड थे। तो 1 महीना मान के चलिए सीईटी के बाकी एग्ज़ाम आपके डिले हो गए हैं। तो सबसे पहले देखिए नोटिस के बारे में हम पढ़ लेते हैं। नोटिस आपका क्या है, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो नोटिस है ये किस किस के बीच में है। तो ऑफिस रिपोर्ट इंडिकेट्स दैट द नोटिस कुड नॉट बी इशूड टू द रेस्पोंडेंट फॉर वांट ऑफ प्रोसेस फी, कि प्रोसेस फी आपकी सबमिट नहीं हुई पाई, जिसकी वजह से उन्होंने टाइम यहाँ पर मांगा था। ठीक है, तो ये आपका एक नोटिस था। उसके बाद देखिए आपकी जो तारीख है उसके बारे में हम बात करें तो 5 अगस्त थी पहली इसकी, फिर आपकी 1 तारीख को होनी थी। जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग मिली है वो आपकी मिली है 3 अक्टूबर। तो आज 2 सितंबर है, तो लगभग 1 महीना आपके सारे एग्ज़ाम सीईटी के डिले हो गए हैं। तो अब सर करें क्या, हम क्या हम तैयारी नहीं करें? तो मैं सभी को एक ही सुझाव देना चाहूँगा। ये आज की न्यूज़पेपर की हेडलाइंस थी कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हाईकोर्ट से अपील दायर करने के लिए समय मांगा और ग्रुप सी के पेपर होने पर फिर देरी हुई। तो लगभग मान के चलिए कि 1 महीना आपके लगभग देरी हो गई है अब आपके ग्रुप सी के पेपर होने में। अब देखिए अब आप लोगों को करना क्या है, तो आपको करना ये है, 1 महीना तो डिले आपके हो गए, तो इन्होंने ग्रुप डी की जो तारीख दी हुई है, यानी कि अब हो क्या सकता है, अगर इनके मन में होगा तो ग्रुप डी का पेपर ये पहले ले सकते हैं, अगर ऐसा हुआ तो भी नुकसान है। अब मान लो जो बच्चे सीईटी का पेपर दे रखा है वो ग्रुप डी का भी पेपर देंगे बहुत सारे बच्चे, उसके बाद ज्वाइन मान लो इन्होंने कर लिया, ठीक है, हो सकता है पहले ही ज्वाइन करवा दे रिजल्ट आ जाए, तो ये इससे नुकसान होगा बहुत सारे बच्चों का। ठीक है, 1 मिनट, इससे क्या होगा, बहुत सारे बच्चों का नुकसान होने वाला है। मान लीजिए जिसका सीईटी का पेपर नहीं हुआ उसकी वजह से वो ग्रुप डी का भी पेपर नहीं दे पाएगा, तो सारे के सारे जिम्मेवार कौन है इन चीज़ों का, हरियाणा सरकार जानबूझकर ये कर रहा है और पता नहीं क्यों कर रहा है, क्या इनके दिमाग में चल रहा है और क्या नहीं। तो सिर्फ मैं एक ही राय दूंगा अब आप लोगों को, करना क्या है, जिनकी एज बची हुई है, जिन्होंने सेंटर के अपने एग्ज़ाम फिल कर रखे हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम है, अब आपके बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, दिल्ली पुलिस हो गया, ठीक है, एसएससी का जीडी का आपका भी पता है कि फॉर्म जिन्होंने भरे होंगे, इसके अलावा अपना सीजीएल पर ध्यान दीजिए, सीएचएसएल पर ध्यान दीजिए, तो इन एग्ज़ाम पर ध्यान दीजिए जो आपके हर साल एग्ज़ाम होते हैं, ना ही इनमें कोई डिले होता है, डिले होता है तो बहुत मुश्किल रेयर चांस होते हैं, तो किसी में कुछ अटक गया, आपका पेच हो गया, फंस गया, तो ये आपके पेपर हर साल होते हैं, हर साल फॉर्म निकलते हैं और जल्दी ही ज्वाइनिंग होती है, तो इन पर अपना फोकस कीजिए जब तक सीईटी पर कुछ नहीं होता है, कोई फैसला नहीं आता है, और साथ साथ अपनी तैयारी सीईटी के भी टच में रहिए, सब्जेक्ट्स के ज़्यादातर सब्जेक्ट तो आपके सेम ही होने वाले हैं, जो हरियाणा के अलग से जो सब्जेक्ट है, जैसे आपको हरियाणा पढ़नी है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में हिंदी नहीं आती है, तो इनके टच में रहिए थोड़ा थोड़ा और अपने इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते रहिए। और जो इनके नहीं भर रखे हैं वो क्या करें भाई, वो एक ही बोलूँगा मैं, अपने ग्रुप डी की तैयारी करो, तो यही आप लोगों के पास ऑप्शन है और कोई ऑप्शन इन्होंने छोड़ा ही नहीं है। जानबूझकर ये हरकतें करते हैं, बेकार हरकतें, गंदा सिस्टम, गंदी हरकत इनकी ऐसे ही चलती रहेंगी, ना ही इनको कोई रोकने वाला, ना ही कोई टोकने वाला, अगर मिलकर इकट्ठा हो गए कहीं कुछ करने भी लगे इनके खिलाफ तब भी कुछ नहीं होने वाला। सीएम साहब हमारे कहीं पर बैठते हैं, जनसंवाद करते हैं, तो सुनो बैठो 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 बैठो, हमने सुन लिया आपकी, आपको नहीं पता हमें पता क्या करना है भाई, उनको पता होता तो कर ही देते, ठीक है, उनको पता ही नहीं है कि बच्चों के साथ हो क्या रहा है, सिस्टम इतना बेकार है और इसको चलाने वाले बैठे हैं, पता नहीं क्या तो सोच के वो ये चीज़ें कर रहे हैं और क्या सोच के नहीं कर रहे हैं। तो यही चीज़ें मैं आपको बोलूँगा कि इन पर अपना फोकस कीजिए, इन पर तैयारी कीजिए, ठीक है, और ये एग्ज़ाम्स दीजिए, ये एक बार नौकरी अपनी ले लो कोई ना कोई, कहीं इनके चक्कर में आपकी एज से ये भी ना चली जाए, तो यही मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा। तो चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, कोई भी आप गाइडलाइंस पाना चाहते हैं या फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी इशू है या फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, थैंक यू।